हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीवो आईपीएल के डीसी वर्सेस मुंबई के बीच खेले जाने वाले मैच के बारे में। ये मैच कल खेला जाएगा गाइस, और इसके बारे में देखेंगे कि ग्रैंड लीग की टीम हमें कैसे बनानी है और इसमें स्मॉल लीग की टीम में हम विनिंग टीम कैसे बना सकें। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सारी जो इंपॉर्टेंट टिप्स होगी और पिच के बारे में जो नॉलेज होगा वो सारा बता दूंगा। तो गाइस, ये मैच खेला जाएगा 20 अप्रैल को, 13वां मैच है वीवो आईपीएल का, चेन्नई के अंदर खेला जाएगा गाइस। और चेन्नई का जो पिच है वो एक बैलेंस पिच माना जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे गाइस, चेन्नई में 18 अप्रैल को मैच खेला गया था आरसीबी और केकेआर के बीच। यहाँ गाइस सेकंड इनिंग में टीम जो भी खेलती है वो मैच हार जाती है, जो फर्स्ट इनिंग खेलती है उनको बैटिंग में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। तो गाइस यहाँ पर भी फर्स्ट इनिंग में खेलने वाली टीम जीत गई आरसीबी। उसके बाद चलिए चेन्नई में फिर 17 अप्रैल को मैच खेला गया था, यहाँ पर भी फर्स्ट इनिंग में 150 बनाए थे, उस हैदराबाद 137 ही बना पाई। चलिए फिर से देखते हैं, चेन्नई में एक और मैच खेला गया था आईपीएल का, छठवां मैच खेला गया था गाइस। यहाँ पर आरसीबी ने 149 बनाए थे और सनराइजर्स हैदराबाद 143 ही बना पाई। चलिए उसके बाद देखेंगे, एमआई वर्सेस केकेआर के बीच में मैच हुआ था चेन्नई में, यहाँ एमआई ने 152 बनाए थे, केकेआर 142 ही बना पाई। तो गाइस यहाँ देखोगे, फिर थर्ड मैच खेला गया था केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, यहाँ 187 का स्कोर बनाया था केकेआर ने पहली इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में वापस 177 पे आउट हो गई और अपने रन नहीं बना पाई। तो यहाँ गाइस चेजिंग करना मुश्किल है, यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग में खेलेगा वही मैच जीतेगा गाइस, जो बंदा टॉस जीतेगा वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने की कोशिश भी करेगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ दोनों ही टीम्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं मुंबई और डीसी के बारे में, जिनके दोनों के बीच में ये मैच खेला जाएगा। तो चलिए मुंबई और डीसी की टीम्स देख लेते हैं। तो डीसी ने अपना एक भी मैच इस पिच पे अभी तक नहीं खेला है, चेन्नई की पिच पे डीसी ने अपना कोई मैच नहीं खेला है। तो दोनों के जो रिसेंट मैच हुए हैं, ताकि हमें प्लेइंग 11 के बारे में पता लग जाए, बाकी सारे मैचेस में देख रहा हूं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं है। तो रिसेंट मैच हुआ था 11th मैच, 18 अप्रैल को खेला गया था। तो यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, पृथ्वी शो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, शिखर धवन काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं, अभी तक इन्होंने एक ही मैच खेला है और काफ़ी अच्छी फॉर्म में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, ऋषभ पंत काफ़ी अच्छी फॉर्म में है गाइस इस आईपीएल में। स्टोइनिस इस मैच में ज़रूर इन्होंने 13 पे 27 रन बनाए, अदरवाइज़ किसी मैच में ये नहीं चले हैं। तो ये हो गए चार प्लेयर इंपॉर्टेंट, ऋषभ पंत, शिखर धवन, पृथ्वी शो, स्टीव स्मिथ, चारों इंपॉर्टेंट है। मार्कस स्टोइनिस को हम देखेंगे गाइस कि कैसा क्या पिच का रहता है, कौन टॉस जीतता है, उसके बाद देखेंगे डिसाइड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इनके बॉलर्स के बारे में। तो चलिए बॉलर्स में क्रिश वोक्स हर मैच में विकेट ले सकता है, ये बंदा 2 विकेट लेगा जरूर चेन्नई के ग्राउंड के ऊपर, ये गारंटी है गाइस। चेन्नई के ग्राउंड पे कंगिशो रबाड़ा 2 विकेट ले सकते हैं, अवेश खान 2 विकेट, 3 विकेट निकाल सकते हैं, और एक प्लेयर और भी है गाइस, लखमन मेरीवाला, ये भी गाइस 2 से 3 विकेट इस ग्राउंड पे, चेन्नई के ग्राउंड पे निकाल सकता है। और यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ कि डीसी की टीम टॉस जीतेगी और पहली इनिंग में अगर डीसी खेलेगी तो यहाँ पर हमें बैटिंग भी अच्छी देखने की मिलेगी, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनके पास, ऋषभ पंत, और बॉलिंग काफ़ी अच्छी देखने की मिलेगी क्योंकि क्रिश वॉक्स और लखमन मारीवाला, कंगिसो रबाड़ा, अवेश खान जैसे सारे पेसर्स है गाइज, और आपको पता ही है चेन्नई में पेसर्स को काफ़ी मदद मिलती है, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में, जो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने अपना रिसेंट मैच चेन्नई में ही खेला था, सेम ग्राउंड पे खेला था, 150 रन बनाए थे और सामने वाली टीम 137 ही बना पाई। तो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेंटन डी कॉक है गाइज, उसके बाद रोहित शर्मा है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, और उसके बाद ईशान किशन है, और उसके बाद किरण पोलार्ड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेंटन डी कॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और किरण पोलार्ड, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या ओनली बैटिंग करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, और बैटिंग में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े रिस्की रहेंगे। चलिए बात करते हैं अब दूसरी टीम के बारे में। तो बॉलिंग के बारे में बात करते हैं मुंबई की, तो यहाँ ट्रेट बोल्ट अपने सारे ओवर फेंकेंगे, चेन्नई में काफ़ी अच्छी इनको हेल्प मिलती है और 3 विकेट निकाल लेंगे, 2 विकेट 3 विकेट इस मैच में ये निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में, तो जसप्रीत बुमराह काफ़ी अच्छे बॉलर है और इस ग्राउंड पर ये भी 1 विकेट आराम से निकाल सकते हैं, 1 या 2 विकेट। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए राहुल चहर गाइज, राहुल चहर पिछले 2 मैच से काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, पहले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे इससे पहले वाले मैच में, और इस मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, मतलब टच में है। और चेन्नई के ग्राउंड पे अगर ये पहले खेल जाती है मुंबई इंडियंस तो रोहित शर्मा के चलने के चांसेस भी है, क्वेंटन डी कॉक के चलने के चांसेस भी है, अदरवाइज ट्रेट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह और राहुल चहर के चलने के 100% चांसेस है।
चलिए अब बनाते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने सारे आपको बता ही दिए हैं, तो चलिए ड्रीम इलेवन पे चलते हैं और देखते हैं डीसी वर्सेस एमआई का मैच। उससे पहले गाइज मैं आपको एक, तो गाइज ड्रीम इलेवन पे अपने को क्रेडिट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आने वाली है और अपन क्रेडिट मेंटेन इस मैच में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको एक राय देना चाहूँगा गाइज़ कि ये टीम आप बेटबॉल इलेवन या माई फेब इलेवन पर बनाइएगा, क्योंकि वहाँ क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं है और आप जितने भी प्लेयर्स आप लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप अच्छी टीम बना पाओगे। तो चलिए अभी माई इस पर बेटबॉल इलेवन पर टीम बनाते हैं, और जिसके पास बेटबॉल इलेवन एप्लीकेशन नहीं है तो गाइज़ मैं बता दूँ सबसे कम कमीशन लिया जाता है, अच्छे कॉन्टेस्ट है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। चलिए बनाते हैं माई टीम। तो ये स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, क्विंटन डिको को, ऋषभ पंत को टीम में ज़रूर लेंगे गाइज, शिखर धवन को लेंगे, रोहित शर्मा को लेंगे, सूर्य कुमार यादव को लेंगे और पृथ्वी शो को अपनी टीम में ज़रूर जगह मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्रिस वॉक्स को लेंगे, क्योंकि चेन्नई की पिच है, बैटिंग पिच बॉलिंग पिच मानी जाती है, बैलेंस पिच मानी जाती है गाइज, और यहाँ 150 के समथिंग एवरेज स्कोर बनेगा तो मतलब बॉलर्स को विकेट्स मिलेंगे। अब ये हम कब डिसाइड करेंगे, जैसे ही टॉस होगा, तो अगर मुंबई इंडियंस की टीम टॉस जीतती है तो वो पहले बैटिंग करेगी तो उसके चार बैट्समैन ले लेंगे, दो बॉलर्स ले लेंगे, या फिर तीन बैट्समैन ले लेंगे, तीन बॉलर्स ले लेंगे, छह प्लेयर्स उस टीम से रहने देंगे, तो ये टॉस के बाद होगा। अभी तो ये एक एवरेज टीम बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद बात करते हैं, चलिए ऑलराउंडर में ओनली क्रिस वॉक्स को ले लेते हैं, यहाँ ट्रेड बोल्ट को ले लेते हैं, राहुल चहर को ले लेते हैं, कंगेश्वर अबाड़ा को ले लेते हैं, और गाइज यहाँ पर आवेश खान को ज़रूर लेंगे, क्योंकि आवेश खान हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक या दो विकेट इस विकेट पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ किरण पोलार्ड को अपनी टीम में ले सकते हैं, पर गाइज हमारे प्लेयर्स हो चुके हैं, तो ये टीम कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर टीम दिल्ली टॉस जीत जाती है तो ये टीम इस तरीके से दिखाई देगी, अगर ये टॉस यहाँ पर मुंबई इंडियंस जीत जाएगी तो यहाँ क्रिस वॉक्स की जगह हम किरण पोलार्ड के साथ भी जा सकते हैं, या फिर और यहाँ पर कुछ भी रिस्क अपन ले सकते हैं, और यहाँ दिल्ली की टीम जीतती है तो यहाँ स्टीव स्मिथ को भी हम ले सकते हैं क्योंकि तीसरे नंबर पे खेलने आएंगे। पर अगर जो बैलेंस टीम मानी जाती है वो बैलेंस टीम गाइज ये आपके सामने खड़ी है। अब इसमें से आप कैप्टन ऑप्शंस में आपको बता दूं, चेन्नई का ग्राउंड है, यहाँ कैप्टन ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अगर मुंबई की टीम टॉस जीत जाती है तो रोहित शर्मा को कैप्टन बना दीजिएगा या क्विंटन डिको को कैप्टन बना दीजिएगा, और अगर यहीं पर जो टॉस है वो यहाँ दिल्ली जीत जाती है तो शिखर धवन कैप्टन ऑप्शंस हो सकते हैं। और इसके बाद एक बात और बता दूँ, कैप्टन्स के बारे में तो आपको पता चल गया, और अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो यहाँ कैप्टन्स ऑप्शंस क्या होंगे आपके सामने, तो जो टीम टॉस जीतेगी उसके बॉलर को, जैसे कंगेश्वर अबाड़ा को, ट्रेट बोल्ट को, राहुल चहर को, अवेश खान को, इन चारों में से किसी को भी कैप्टन बना सकते हो अगर आपकी टीम टॉस जीत जाती है तो इसी वजह से बता रहा हूँ, ये ग्रैंड लीग में आप बॉलर्स के साथ जा सकते हो, ये चेन्नई का ग्राउंड है और यहाँ बहुत फ़ायदा मिलता है, और सेकंड इनिंग में तो बॉलर्स का कहर चलता है इस ग्राउंड के ऊपर, तो प्लीज़ सेकंड इनिंग में अगर आप टीम बनाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बॉलर्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, बॉलर्स ही मैच जिता सकते हैं सेकंड इनिंग के अंदर। और अगर हमारी टिप्स आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मैं बताता हूँ ये बात गाइस कि ग्रैंड लीग में कौन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं गाइस, तो वो पूरा जेन्यून तरीके से बताता हूँ आपको कि ये बंदे ग्रैंड लीग में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ऐसा होता है। दीपक चहर के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद आपको मैंने वरुण चक्रवर्ती के बारे में बताया था, उसके बाद राहुल चहर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उसके बाद मयंक अग्रवाल के बारे में बताया था कि बहुत दिनों से मारेंगे इस मैच में, ज़रूर मारेंगे इसके बाद। तो गाइस ये कुछ कारण होता है इनका कि कोई प्लेयर अगर उस आईपीएल में नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा प्लेयर नहीं है, वो जिस मैच में चलेगा उस मैच में सारा बराबर कर देगा, तो इसीलिए बता रहा हूँ थोड़ा पेशेंस के साथ खेलिए, थोड़ा अपना माइंड यूज़ कीजिए, थोड़ा मैं डेटा दे रहा हूँ आपको तो इस अनुसार चलिए। अब सारे पिछले मैच को देखना, उनको रीड करना, या इससे पहले वाले आईपीएल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे इस मैच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें इफेक्ट पड़ेगा पिछले मैच में किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कौन सा प्लेयर कैसी बॉलिंग करता है। इस पिच के बारे में मैं बता रहा हूँ गाइस कि जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा वो फ़ायदे में रहेगा, सेकंड इनिंग वाला मैच हारता है और विकेट्स काफ़ी गिरते हैं सेकंड इनिंग में, तो ये डेटा बहुत होता है किसी भी स्मॉल लीग को जीतने के लिए। इतनी सी जानकारी से अगर आप टीम बनाओगे गाइस कि जो टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले बैटिंग करना पसंद करेगी और उसके बाद में उसके बॉलर्स लेने हैं, उसके बैट्समैन लेने हैं, सेकंड इनिंग के साथ बहुत बुरा होता है इस पिच के ऊपर। अगर ये डेटा आपके पास है तो आप आसानी से ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की सारी टीम्स बना सकते हो, और इस डेटा के साथ टीम बनाओगे तो आप सारी की सारी लीग्स इस मैच के अंदर
वन साइडेड विन हो जाओगे। बाकी दोनों ही टीम के पास अच्छे बॉलर है गाइस, और कुछ भी हो सकता है, इक्वली पिच है गाइस, तो यहाँ पर इक्वली पिच है तो दोनों के बॉलर्स आप ले सकते हो। पर इतना ज़रूर मैं बता दूँ, बॉलिंग को सपोर्टिव पिच है ये मानी जाती है, और बैलेंस स्कोर यहाँ पर 150 बनाया जाता है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेट बॉल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ हम एक छोटी मोटी टीम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं। उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, बाकी टीम हम अच्छी खासी प्रोवाइड करा देते हैं। सेकंड इनिंग में तो काफ़ी बेहतरीन टिप्स होती है मेरी, और सेकंड इनिंग की टीम्स तो सारी मेरी जीत जाती है। फर्स्ट इनिंग में गाइस मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा धोखा देते हैं कभी कभी, तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मैं टीम प्रोवाइड कराता हूँ उसके नीचे जो लाइन लिखता हूँ उसको पढ़ लीजिए, ताकि उसमें मैं जो रियल बात होती है, जो रिस्क होता है वो मैं उसमें लिखता हूँ। क्योंकि मेरा जो हेड टू हेड की टीम देना है मुझे, बिना रिस्क की टीम देनी है। मैं अगर बिना रिस्क की टीम दूंगा तो रोहित शर्मा शिखर धवन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने होंगे, क्योंकि मुझे एक बैलेंस टीम देनी होती है। और अगर थोड़ा सा रिस्की टीम मैं नहीं बना सकता, इसलिए मैं नीचे लाइन लिख देता हूँ कि आप चाहो तो इस मैच में क्वेंटन डीकॉक पे रिस्क ले सकते हो, कंगेश्वर अबाड़ा पे रिस्क ले सकते हो, तो उस लाइन को पढ़ लीजिए। अगर आपको रिस्क लेना है ले लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 10 मेंबर 20 मेंबर की लीग, उस रिस्क से आप जीत आसानी से जीत जाओगे। तो प्लीज़ गाइस कोरोना में अपना ख्याल रखिए, सपोर्ट करिए, और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।